नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने इसके विरोध में कई प्रदर्शन भी किए। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी इस मुद्दे पर गौर नहीं किया है, लेकिन इस मुद्दे पर आपस में बात करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तेल के दाम कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। आपने पहले भी चिंता जाहिर की इसको लेकर, अब तो 100 पार हो गया है। हाँ, वो सब तो ऐसा ये है कि कई बार आज बिहार सरकार की ओर से आपके समय में टैक्स कम किया गया है लोगों को, मामूली राहत ही सही, मामूली राहत देने के लिए। तो क्या अभी जो 100 के पार तेल का दाम हो गया है, तो आप अपने स्तर से या केंद्र सरकार से भी अनुरोध या अन्य राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि एक सामूहिक प्रयास हो केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कि टैक्स में थोड़ा कमी करके जो भी संभव हो पब्लिक को इस महंगाई से राहत दिलाई जाए तेल के दाम। अभी हम लोगों ने उस पर कभी गौर नहीं किया। ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे, इसके बाद इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है, उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखे, ये अखबार में छपता है, रोज़ देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ रही है। ये तो देखते हैं, लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए, इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या किया जा सकता है।